में संस्कृत के विद्यार्थी थे, लगभग 70-80 वृद्ध थे, सबकी ड्यूटी थी तुम झाड़ू लगाएगा, तुम पानी भरेगा, सबकी। आपसे बातें करते भाई, पवन देवता झाड़ू लगाता है, इंद्र देवता पानी भरता है, अपने को तीन मिनट से पानी भरा ही नहीं है, मैंने अमृत तीन मिनट झाड़ू लगाया नहीं है। ये बातें शहर में फैल गई, हरिदास के आश्रम में देवी देवता पानी भरते हैं, कोई कहते भूत प्रेत आते हैं। हरिदास जी ने पर विश्वास नहीं करता था, एक दिन देखा पर तारों से पता लगता था, क्या झाड़ू की आवाज आ रही है। चिक देखा, कौन है झाड़ू लगाने वाला? आपका सेवक देव है। अरे तुम झाड़ू लगाते हैं? सारे आलसी बन गए हैं, सबकी ड्यूटी है, बाजार में क्या क्या बातें हो रही, तुम तीन मिनट? हाँ गुरु महाराज, कल से झाड़ू नहीं लगाएगा। संत गुरुओं के क्षण तर्क नहीं करना होता, बोसों को सेवा छुटवा दे तो नाराज हो जाते जी, उसकी चिर पारी हमारी सुतार रखा ही नहीं, नाराज हो गई, उससे तो बात के लिए हमसे बात किया ही नहीं, तो भक्ति खत्म। ये भाव आते भक्ति नाम की चीज रही नहीं, या श्रद्धा खत्म होगी या गुरु पर शंका होगी, भक्ति खत्म। तर्क नहीं है, जो आज्ञा गुरुदेव, झाड़ू लगाना बंद। परंतु कोई प्रकार उदासी नहीं, पानी भरता है। अब आपसे बातें हो रही, भाई पवन देवता तो नहीं आ रहा, अभी इंद्र देवता पानी भर रहा है।